हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड अभी आज हम बनाने वाले हैं मैगी, एंड इट विल बी अ वेजिटेबल मैगी। सो यू कैन सी आई हैव एडेड ऑल दीज वेजीज, और मुझे वेजिटेबल अपनी मैगी में बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन चूज़ एंड यूज़ वेजिटेबल इन योर मैगी एज आई हैव शोन यू। सो अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने मैगी के लिए यूज़ किया है ये रेमन, टॉप रेमन करी, जो मुझे पसंद है। आप कोई भी मैगी ले सकते हो, ओके, आटा नूडल्स, कोई भी मैगी। चलिए, अभी एक पैन लिया है मैंने, एंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ करिए विच यू लाइक, एंड अच्छे से ऑयल को हीट करते हैं। सो जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे अपने वेजिटेबल्स। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने अनियंस यूज़ नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ क्वारंटाइन टाइम, एंड यहाँ पे मुझे नहीं मिला है अनियन यूज़ करने के लिए। सी आई हैव एडेड कैरेट्स, टमेटोज, कैप्सिकम, थोड़े स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा पी, बट नो अनियंस बिकॉज आई डोंट हैव इट। सो एनी वेज, इतना काफ़ी था, जितना है उतना बहुत है। तो अभी हम वेजीज को थोड़ा टोस्ट करेंगे। सो यू कैन सी मैं अच्छे से उसको चला रही हूँ और थोड़ा टोस्ट कर रही हूँ। जब हमारी वेजीज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और टोस्ट हो जाएंगे, तो हम इसको वापस से चेक करेंगे। तब तक के लिए इसको ढक दो। तो अभी हमारी वेजीज सॉफ्ट हो गए हैं, एंड इट्स टाइम टू ऐड मसाला टू इट। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला यूज़ किया है, वो मैंने जो मैगी है रेमन टॉप करी, मैंने उसी का मसाला आता है वो यूज़ किया है। आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो अगेन, और अगर कोई मसाला ना भी हो तो आप घर में पड़े हुए मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, उससे भी बहुत अच्छी टेस्टी मैगी बनती है। मैंने वो भी बनाया हुआ है और मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिलहाल मेरे पास ये मसाला है जो मैंने यूज़ किया है, और मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने दो पैकेट मसाला के यूज़ किए हैं, और मैगी का भी मैं दो ही ब्लॉक डालने वाली हूँ, आप आगे देखेंगे। सो लेट्स मिक्स ऑल द मसालाज टुगेदर, एंड ये थोड़ी स्टिक करेगी बॉटम में, विच इज़ ओके। कुक करना मसाला को ज़रूरी है, अच्छे से कुक करिए। एंड यस, सो थोड़ी देर के लिए हम ढक के मसाला को भी अच्छे से पका लेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर टू इट। सो हियर आई एम एडिंग वाटर नाउ, एंड मसाला पक चुका है तो पानी अब डालने का टाइम है। मैंने दो कप पानी यूज़ किया है, और थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है ताकि मेरी मैगी जूसी बने। और अगर आपको, आपके ऊपर है पानी ऐड करना, दो लोगों के लिए दो कप पानी एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा टू मेक इट जूसी। सो मिक्सिंग इट अप एंड गिविंग इट अ बॉइल। यहाँ पे मैंने एक बॉइल आने दिया है अच्छे से, मीडियम फ्लेम पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस द फ्लेम इज़ ऑन मीडियम, सो रिमेंबर दैट। सो आफ्टर मिक्सिंग इट अप, लेट्स ऐड द मैगी टू इट। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई हैव टेकन द टॉप रेमन करी, यू कैन टेक एनी वन, ओके। सो क्रैकर की यूज़ करिए, बिकॉज देन इट इज़ ईजियर टू ईट। फिर जब मैगी हम ऐड करेंगे, अगेन मिक्स इट अप, और इसको फाइव टू सेवन मिनट्स तक हमको पकाना है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ढककर पकाना है। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको हम वापस एक बार चला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ मैं डॉक्टर ओटेकर्स का यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल है, और ये सस्ता भी है और टेस्टी भी है। यू कैन अगेन ऐड एनी मेयो दैट यू हैव एट होम, नो नीड टू बाय दिस वन। सो या मैगी को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मेयो यूज़ किया है। यू कैन यूज़ चीज़ ऑल्सो, येस इट इज़ ऑन यू। चीज़ भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। सो ये सी द कलर, सी द टेक्सचर, क्रीमी, लेट्स टेक इट इन अ बोल। तो यहाँ पे मैंने अब बोल में इसको डालने वाली हूँ मैं, एंड सी द कलर, सी द वेजीज, इट इज़ हेल्दी। सो डू ट्राई इट एट होम, इट इज़ क्वारंटीन टाइम, यू गाइस शुड ट्राई। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, ओके, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ लाइक। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।